मिश बजटिन जो काम आपने सोच रखे हैं, जो कर रहे हैं वो सही दिशा में हो सकते हैं। काम पर ध्यान लगाने के लिए थोड़ी कोशिश जरूर करें। रोमांस के कुछ नए मौके भी आपको मिल सकते हैं। आपका ध्यान निजी जीवन पर ज्यादा रहेगा। समय पहले से थोड़ा ठीक है। प्रेमी से मिल सकेंगे और घर में बेहतर माहौल रहेगा। बहुत से लोगों का ध्यान आप पर रहेगा। नेगेटिव, सावधानी से काम करें। जल्दबाजी या ज्यादा ही उत्साह के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। प्लान के मुताबिक सफलता नहीं मिलने से मूड भी खराब हो सकता है। आपके साथ अजीब स्थिति भी बन सकती है। रोजमर्रा के कामों में आपका मन कम लगेगा। मन में अशांति रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको बोझ लग सकती है। गुस्सा रहेगा तो काम पूरे नहीं हो पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से काम बिगड़ सकते हैं। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करें तो ही अच्छा है। क्या करें? किशमिश का पानी पिएं। लव जीवन साथी से अनबन हो सकती है, लेकिन एक दो दिन में सब ठीक भी हो जाएगा। करियर, मानसिक संतुलन रखें। आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक रहेगी। आर्थिक नजरिए से भी आपको फायदा होगा। मेष राशि के स्टूडेंट्स ज्यादा मेहनत करेंगे। हेल्थ, मौसमी बीमारियों से परेशान रहेंगे। एलर्जी हो सकती है। वृषभ, आपकी राशि से तीसरी राशि का चंद्रमा पुराने दोस्तों से मुलाकात करवा सकता है। आप कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सफल हो सकते हैं। कुछ नया करके भी दिखा सकते हैं। कुछ बहुत रोचक बातों पर आपका ध्यान हो सकता है। रिश्तों को मजबूत बनाने पर बात होगी। घर में उत्सव का माहौल रहेगा। दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आप हर तरह का विवाद निपटाने में सफल हो सकते हैं। नेगेटिव, किसी भी काम को पूरा होने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। आप जो काम कर रहे हैं उसका मनचाहा परिणाम नहीं मिलने से चिड़चिड़ापन हो सकता है। घर परिवार की जिम्मेदारियों को अनदेखा ना करें। पैसा भी खर्च होगा। मन में खालीपन को हावी ना होने दें। आर्थिक मामलों में भी नुकसान होने से मन दुखी हो सकता है। क्या करें? किसी भी मंदिर में घी का दीपक लगाएं। लव पार्टनर से प्यार से पेश आएं और भावनात्मक दबाव ना बनाएं। मन की बातें शेयर करें। करियर, बिजनेस में पैसा रुक सकता है। सावधानी से निवेश करें। कार्य क्षेत्र में कामकाज ज्यादा होने से परेशान हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को कोई बात परेशान कर सकती है। हेल्थ, मानसिक थकान और नींद की कमी से परेशान हो सकते हैं। मिथुन, पॉजिटिव, आज आप हर तरह की स्थिति में खुद को संभाल लेंगे। पुरानी किसी समस्या पर नए नजरिए से समाधान निकल जाएगा। परिवार के किसी सदस्य के जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने के योग है। हर तरह की बातचीत में थोड़ा उदार और विनम्र रहे। मन की भावनाएं जताने में संकोच ना करें। जहां भी जाएंगे लोगों से बातचीत होगी। कोई जिम्मेदारी वाला काम भी आपको मिल सकता है। परिवार के साथ समय बीतेगा। संतान का सहयोग मिल सकता है। अपने कामों को अच्छी तरह और जिम्मेदारी से निपटा लें। नेगेटिव, कोई काम अधूरा होने के कारण आपका डर भी बढ़ सकता है। लव लाइफ में लापरवाही के कारण रिश्ते बिगड़ सकते हैं। प्रेमी आपके व्यवहार के कारण समस्या में आ सकता है। भाग दौड़ भी लगी रहेगी। क्या करें? सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को लगाएं। लव लाइफ, प्रेमी के साथ चले आ रहे मामले निपटाने का दिन है। पार्टनर से सहयोग और खुशी मिल सकती है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। करियर, प्रोफेशन के लिए दिन मिला जुला रहेगा। धन लाभ होगा। खर्चा भी बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। हेल्थ, सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। कफ और पित्त रोग से परेशान रहेंगे। पुराने रोग खत्म नहीं हो रहे हैं तो सावधान हो जाएं। लापरवाही ना करें। कर पॉजिटिव, पैसे कमाने की होड़ में आगे आने के लिए तैयार रहेंगे। मन प्रसन्न रखें। आपको कहीं से अचानक मदद भी मिल सकती है। पैसा कमाने के कुछ नए मौके भी आपको मिल सकते हैं। कागजी काम जल्दी से निपटा लेंगे।
दिमाग तेज चलेगा और लगभग हर समस्या का समाधान मिल सकता है। लोगों की बातें समझने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं, कामकाज में आप ज्यादा ही व्यस्त रहेंगे। जमीन जायदाद का काम करने वाले लोगों को भी फायदा हो सकता है। कोटक चहरी में सफलता के योग हैं, नए कारोबार की शुरुआत का मन बनेगा। नेगेटिव सावधान रहना चाहिए, किसी करीबी इंसान से अनबन हो सकती है। अपने मन की बात कहने में संकोच कर सकते हैं। अनैतिक और अवैध काम करने की इच्छा भी होगी, ऐसे कामों से पूरी तरह बचे। खर्चा भी ज्यादा रहेगा, क्या नहीं दही बड़े खाए या किसी गरीब को खिलाए। लव प्रेम संबंधों के लिए दिन ठीक ठीक रहेगा। अपने पार्टनर को डिस्टर्ब ना करें तो ही अच्छा है। करियर नौकरी पेशा लोग धैर्य से काम ले। ऑफिस में किसी से फालतू विवाद ना करें। निवेश के लिए समय ठीक ठीक है। हेल्थ तबीयत अचानक खराब हो सकती है, मौसमी बीमारियों से बचकर रहें। कन्या पॉजिटिव लोगों की निगाहें आप पर रहेंगी। कोई राज या खास बात आपको पता चल सकती है। दोस्तों के साथ किसी सामूहिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। दिन भर में कई काम सोचे हुए तरीके से हो जाएंगे और आपको फायदा होगा। गोचर कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा होने से आपके लिए फायदेमंद दिन रहेगा। इनकम बढ़ेगी, आपके कामों में सटीकता रहेगी। बड़े लोगों और अधिकारियों से सम्मान मिल सकता है। किसी कठिन काम में सहायता मिलने से राहत महसूस होगी। अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा लेंगे। नेगेटिव परिवार की जरूरतों को लेकर सावधान रहना होगा। मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। आज आपका कोई महत्वपूर्ण काम भी रुक सकता है। अपने ही फैसलों पर संदेह हो सकता है। आपको आज मिलने वाले प्रेम प्रस्तावों को लेकर सावधान रहना होगा। अपने रहस्य किसी को ना बताएं, आपके साथ धोखा भी हो सकता है। आप सावधान रहें। क्या करें, गमले की मिट्टी में कुमकुम डालें। लव, आपके मन में पार्टनर के लिए कुछ खास विचार आ सकते हैं। पार्टनर के साथ दिन बीतेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन प्रेमियों के लिए दिन ठीक नहीं है। करियर प्रोफेशनल लाइफ के लिए दिन शुभ है। नौकरी और बिजनेस दोनों में आर्थिक लाभ होगा। स्टूडेंट्स को कुछ कम मेहनत करने से ही सफलता मिल सकती है। हेल्थ, आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन पैर में तकलीफ हो सकती है। तुला पॉजिटिव सितारों के प्रभाव से आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिससे आपकी तारीफ होगी। किसी भी नए ऑफर के लिए आप तैयार रहें। पहले ठीक से विचार कर लें, जरूरी समझे तो सलाह कर लें। कोई अच्छी खबर मिलेगी। सामाजिक कामों में सफल रहेंगे। कोई प्रेम प्रसंग भी शुरू हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। सरकारी काम करने वालों से कांटेक्ट हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। किसी परेशान व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। नेगेटिव, आपका मन थोड़ा अस्थिर हो सकता है। किसी भी ऑफर के लिए आज तुरंत फैसला लेने से बचें। बार बार आपके मन में विरोधाभासी बातें भी आ सकती हैं। नियमित और आपको दिए गए काम में आपका मन कम ही लगेगा।
इसका असर आपकी कामकाजी जिम्मेदारियों पर पड़ेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी प्रभावित हो सकती है। जोश में आकर किसी काम की शुरुआत भी ना करें। क्या करें? मंदिर में बताशे चढ़ाएं? लव दिन अच्छा रहेगा, पार्टनर से सहयोग मिलेगा और धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर, बिजनेस और कार्य क्षेत्र से जुड़ा रुका हुआ पैसा मिल सकता है। अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे। स्टूडेंट्स को कम मेहनत में भी अच्छी सफलता मिल सकती है। हेल्थ, पेट में कोई छोटी परेशानी जैसे इन्फेक्शन का डर भी रहेगा। वृश्चिक राशि तिल गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि के लिए अच्छा रहेगा। आपको किए गए कामों से फायदा होगा। गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। किसी दोस्त के अजीब व्यवहार का रहस्य आपके सामने आ सकता है। कुछ लोग अपनी परेशानियों के लिए आपसे राय ले सकते हैं। पैसों की स्थिति में सुधार का मौका मिल सकता है। आप किसी को खुश करने के लिए भी पैसा खर्चा कर सकते हैं। अचानक धन लाभ के योग है। बिजनेस और नौकरी में सफलता मिलेगी। काम बढ़ सकते हैं। नेगेटिव, आज आप किसी तरह का कोई जोखिम ले सकते हैं। ज्यादा गुस्सा करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। परिवार या करीबी लोगों में किसी की संतान के साथ कोई समस्या हो सकती है। किसी की तरक्की से आपको जलन हो सकती है। अपने ही लोगों से विवाद के योग बन है। क्या करे? कलाई पर हरा धागा बांधे। लव, वृश्चिक राशि वाले कुछ लोगों का दिन पार्टनर के साथ निकल जाएगा। दिन ठीक रहेगा। विपरीत लिंग वाले लोग आपसे प्रभावित होंगे। करियर, अचानक धन लाभ से बिजनेस में नई योजनाएं बनेंगी। प्रोफेशनल रिलेशन मजबूत होंगे। स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी। आगे बढ़ेंगे और सफल भी होंगे। हेल्थ, पुराने रोग परेशान करेंगे। सावधान रहे। धनु, पॉजिटिव, किसी भी सामाजिक या कार्यक्षेत्र से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने का योग है। शारीरिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद सामाजिक कार्यक्रम में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। नए अनुभव भी मिल सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। कोई नई बात भी सामने आएगी। आप वही करें जो आपका मन कहे। संतान से सुख मिलेगा। मन की बात किसी करीबी से शेयर करेंगे। नेगेटिव, अपने फायदे की बात करने और अपने हितों के लिए आगे बढ़ने से कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। थोड़ा संयम रखें। आज की कुछ घटनाएं आपको परेशान कर सकती हैं। साझेदारी और रोजमर्रा के कामों में तत्काल फैसला लेने से बचना चाहिए। सावधान रहना होगा। कोई ऐसा काम करने से बचना चाहिए जिसमें पैसों का रिस्क हो। कामकाज में मन कम लगेगा। पैसों के मामलों पर किसी से अनबन हो सकती है। किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा नहीं रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्चा ज्यादा हो सकता है। काम का बोझ भी ज्यादा हो सकता है। क्या करें? पानी में 2 बूंद गुलाब जल डालकर नहाएं। लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलना चाहते हैं तो पेरेंट्स के सामने अपनी इच्छा न रखें। पार्टनर की भावनाएं समझें। करियर, अधिकारियों से सहयोग नहीं मिलने से आप परेशान हो सकते हैं। तनाव और बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा लेकिन सफलता भी मिलेगी। हेल्थ, इस राशि के लोग भोजन में सावधानी रखें वरना पेट की परेशानी भी हो सकती है। मकर, पॉजिटिव, गोचर कुंडली के सातवें भाव में चंद्रमा होने से आपकी राशि के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। किसी काम के लिए आप नए सिरे से कोशिश कर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। जो चीज दूर नजर आ रही थी वो जल्दी ही आपके हाथ आ सकती है। खुद के लिए थोड़ा समय निकाल सके तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ मामलों में आपका मन आपको सही दिशा दिखा देगा। आपके कामों की तारीफ होगी। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। पार्टनर से सहयोग मिलेगा। नेगेटिव, पैसों के मामले थोड़े उलझे हुए रहेंगे। इन मामलों पर आपको कई लोगों से बात करनी पड़ सकती है। आज आप अपनी तरफ से जितना हो सके उतना धैर्य रखें। स्थिति के अनुरूप व्यवहार करें और जरूरत पड़ने पर समझौते के लिए भी तैयार रहें। जीवन साथी की सेहत को लेकर टेंशन भी रहेगी। कामकाज में सावधानी रखें। क्या करें? माता जी के मंदिर में लाल चूड़ियां चढ़ाएं। लव लाइफ, पार्टनर का मूड भी आज अच्छा रहेगा। जो भी आपके दिल में चल रहा है
पार्टनर समझ जाएगा। जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं, लेकिन अनबन हो सकती है। करियर, नौकरी, पेशा, लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। सोच समझ कर पैसा निवेश करें। स्टूडेंट्स को मेहनत के अनुसार कुछ कम सफलता मिलेगी। हेल्थ, ज्यादा तनाव ना लें। पेट की समस्या भी हो सकती है। कुंभ पॉजिटिव निवेश का कोई बहुत ही अच्छा मौका आज आपको मिल सकता है। किसी भी बड़े बदलाव के लिए अपने मन पर भरोसा रखें। सामाजिक मामलों में आज आप सक्रिय हो सकते हैं। बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी से सलाह जरूर लें। आज आप ऐसा कोई काम करेंगे जिससे आपकी तारीफ होगी। कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। अटका हुआ पैसा मिलने से आपका दिल खुश रहेगा। सरकारी काम करने वालों से संबंध अच्छे होंगे। किसी परेशान व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें। आपको रोमांस के अवसर भी मिल सकते हैं। नेगेटिव सोचे ढंग से काम नहीं होने से आप परेशान हो सकते हैं। कुछ गलत फहमियां भी हो सकती हैं। आपके कुछ काम रुक सकते हैं। क्या करें, गाय को अंकुरित मूंग खिलाएं। लंब दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर से सहयोग मिलेगा। धन लाभ होगा। संबंधों में सुधार होगा। करियर, बिजनेस और नौकरी का रुका हुआ पैसा मिलने से आप खुश हो सकते हैं। अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। हेल्थ, आंखों में छोटी परेशानी जैसे इन्फेक्शन का डर बना रहेगा। मीन पॉजिटिव, कोई पुराना काम निपट सकता है। आपकी योजनाओं में बड़ा बदलाव भी होने की संभावना है। आज आप किसी संबंध में समझौता भी कर सकते हैं। जो भी मामले, समस्याएं, चिंताएं आपके सामने हो, उनसे अपना ध्यान हटाने की कोशिश करें। करियर में महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कुछ महत्वपूर्ण लोगों का ध्यान आपके काम पर है। अपनी खासियत बताने का सही समय है। योजना बनाने का दिन है। योजनाएं बनाएं और आने वाले दिनों में काम पूरे कर लें। व्यापारियों को फायदा हो सकता है। बिजनेस को लेकर दिमाग में लगातार प्लानिंग चलती रहेगी। इनकम भी अच्छी होगी। नेगेटिव, आपके मन में कुछ उथल पुथल हो सकती है। कोई नया काम ना करे तो ही अच्छा है। नए काम में रिस्क भी ज्यादा हो सकती है। पार्टनर को लेकर संबंध मधुर करने की कोशिश बहुत रहेगी, लेकिन कोई ना कोई असहमति फिर भी हो सकती है। सावधान रहे। क्या करें, पानी में सफेद फूल डालकर नहाएं। लव लाइफ से जुड़े कुछ खास फैसले ले सकते हैं। करियर, बिजनेस से जुड़ी नई योजनाएं बन सकती हैं और ऑफिस में नए प्लान से आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। हेल्थ, ज्यादा थकान भी महसूस कर सकते हैं। पुरानी बीमारी से भी परेशान रहेंगे।